Hello everyone, assalamu alaikum, welcome to Malik Vlogs Malmo. कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे. काफ़ी दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ, 7-8 दिन हो गए हैं. एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा ही लेट हो गया, लेकिन चलिए इंशाल्लाह आएगा, मैं ख्याल रखूँगा. और वजह ये थी कि 2-3 दिन बीमार था बीच में. एक तो मौसम एकदम से चेंज हुआ है, माइनस में गया टेम्परेचर, और दूसरा ये था कि 2-3 दिन मैं एक काम लगा हुआ था अपने घर में. तो एक्चुअली अपनी बालकनी को मैं थोड़ा लुक चेंज कर रहा था, इसको मैं समर हट की लुक देना चाह रहा था काफ़ी देर से. तो अब समर तो नहीं रही, विंटर आया हुआ है, लेकिन चलें अंदर बैठ के बंदा वैसे ही थोड़ा खुश हो जाता है देख के. तो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा. अब आपने बताना कमेंट्स में क्या कैसा लगा अब आपको. और जिस काम पर मैं 3-4 दिन लगा रहा हूँ वो ये है. ये सुराख कर ली है ऊपर, ये मैं लाया था होर्नबाख से, इसको इंसिन स्क्वीड कहते हैं. होर्नबाख से मिल जाता है, रुस्ता से भी, और इसको भी लगा रहा हूँ. ये ड्रिल करके ये हुक्स के साथ देखते हैं कामयाब होते हैं कि नहीं. अब आधा लग गया, ये देखें आधा लग गया. और अब ये रहता है आधा पोर्शन. ये मेरे पास था एक शीशा था जो मैंने फेंकना था, इसका फ्रेम खराब हो चुका हुआ था, तो अब उस पर लगाना शुरू किया है. एंड होगा तो फिर बताऊंगा मैं. ये देखिए क्या शुरू हुआ है काट काट के. -2 टेम्परेचर है, बहुत ठंड हुई हुई है, मुझे सर में दर्द शुरू हो गई, लेकिन मेरा दिल है कि मैं काम ख़त्म करूं आज. पर देख रहे हैं आप, ये कर रहा हूँ, थोड़ा सा रह गया, फाइनल होगा तो फिर आपको अच्छी तरह दिखाऊंगा. नीचे का तो अशब देखने वाला नहीं है, तबाही हुई है, तबाही तबाही. बालकनी के लिए मैंने बनाना लैंप, डिज़ाइन नहीं समझ आ रही. अब एक मैंने बनाया है पेपर पे, ये लैंप मैंने खुद बनाया था, कैसा लगा. अब मैंने बनाना है सीलिंग वाला बालकनी के लिए, तो उसके लिए डिज़ाइन कुछ बना रहा हूँ. वो सोच के दिमाग का हो गया हुआ दही. चक्कर ये है कि मैं सोच रहा हूँ कि लैम्प बनाना है बाहर, सीलिंग लैम्प, तो बालकनी के लिए. तो मैं अब ये सोच रहा था कि अगर मैं वुड यूज़ करूँ, वुड और स्टील, दिल यही है मेरा. तो अब ये है कि इस तरह के 8 पीस लेके इस तरह का बॉक्स बनाऊँ, और फिर नीचे एक बॉक्स बनाऊँ, और ये बीच में उसको दोनों को कनेक्ट करूँ इनके स्टील पाइप्स के साथ, तो बीच में बल्ब लगाऊँगा इधर, तो ऐसे यहाँ से हैंग होगा. तो चक्कर ये है कि नीचे जाके सही पता चलेगा, क्योंकि सामान नीचे पड़ा हुआ है, चीज़ें तो हैं मेरे पास. अगर कुछ और मेरे जेन में ना आया तो फिर यही फाइनल है, बाकी अभी नीचे जाके देखते. ये एक्चुअली मैं लाया था बहुत पहले किसी और चीज़ के लिए, प्रोजेक्ट के, लेकिन ये पड़ी हुई थी दो, तो मैं लैम्प बनाने
ड्रॉप करके गया था नीचे कुछ और ले कुछ और आया हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा था कोई भी चीज़ बाहर से परचेज ना करूँ, जो है मेरे पास उन्हीं को यूज़ करूँ। तो अब ये है कि इसका हो गया, इनके अंदर भी होल की है अभी मशीन के साथ। तो सोचा कुछ और था, बनाया कुछ और पेपर पे, कर कुछ और रहा हूँ, एंड में जब लगेगा फिर देखेंगे कि क्या बनता है। ये रेडी हो गया, बहुत मेहनत लगी है। अभी इसका अगला प्रोसेस, इसको भी क्लियर कोट मारा है टैंप को जो ये बनाया, और वो भी कंप्लीट हो गया। और ये भी बस इधर अभी लैंप लगेगा सेंटर में और सफाई होगी।